Good morning, students. We are back after your PT. Now we are dealing with chapter number 3 of your book, page number 33, the skeletal and muscular system. Students, you all know that our body can stand erect. हमारी बॉडी बिल्कुल सीधी खड़ी रह सकती है. और अगर इसी जगह हम स्नेक को देखें तो उसकी बॉडी जो है वो क्रॉल करती रहती है, रेंगती रहती है. इट कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट. अदर एनिमल्स यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व. वाई ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट करता है जिसके वजह से हम लोग खड़े रहते हैं. बोन्स का जो फ्रेमवर्क है और उसे ही हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन कहा जाता है. सो डेफिनेशन इज, इसकी डेफिनेशन ऐसे है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट आवर बॉडी एंड प्रोवाइड रिजिडिटी. बोन्स का ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसा नेटवर्क स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी को रिजिडिटी सपोर्ट देता है, कठोरता देता है, और जिससे हमारी बॉडी के ऊपर स्किन और इवन मसल्स प्रॉपरली मैनेज रहती हैं और हमारी बॉडी को एक रेगुलर शेप प्रोवाइड करवाता रहता है. स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस भी इसी तरह से ही हैं कुछ. इट गिव शेप टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी को शेप देगा. इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी टू स्टैंड इरेक्ट. स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है. इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं. इनके अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से टच हो जाएं तो वो इंजर हो सकते हैं, टूट सकते हैं, बॉर्न आउट हो सकते हैं. इन सब और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और ये रोल ये प्ले करता है कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, कवर करके रखता है. एग्जांपल्स हैं ऐसे ऑर्गन्स के, ब्रेन जो बहुत डेलिकेट होता है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास स्कल है, हार्ट रिब केज हैं जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं, लंग्स रिब केज प्रोटेक्ट करता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रेट जो होती है, हमारी बैकबोन जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती रहती है. सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 34. Skeleton of an adult human being has 206 bones. Adult जो हैं होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, बड़े व्यक्ति जो होते हैं, उनकी बॉडी में 206 bones होती हैं. न्यू बॉर्न बेबी हैज़ मोर देन 300 bones. न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है उसकी बॉडी में 300 bones होती हैं अराउंड. जैसे उसकी बॉडी डेवलप होती जाती है, ग्रो करती रहती है, इनकी bones जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाती हैं. एंड देन दे डिग्रेड, तब वो कम हो जाती हैं और तब इनका टोटल न्यूमरल जो होता है वो होता है 206. सो वी कैन से, हम ऐसा कहते हैं कि हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो 206 हैं. द बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. बोन्स हमारी बॉडी में अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइज़ की होती हैं. ऑल ऑफ देम हाउएवर आर अटैच टू वन अनदर. बोन्स एक दूसरे से अच्छे से अटैच होती हैं. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज बोन स्ट्रक्चर. बोन स्ट्रक्चर, व्हाट इज बोन मेड अप ऑफ? बोन इज, बोन किसकी बनी हुई है? बोन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज. बोन जो है वो टिश्यूज से बनी है. बोन्स हैव नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. बोन्स टिश्यू से बनी है और उनमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्व्स भी होती हैं. बोन्स आर हार्ड आउटसाइड. बोन्स अंदर बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग टफ होती हैं, बट दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इनसाइड. अंदर से बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं बहुत. स्पंज अपन, आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, इस तरह की हमारी बोन्स अंदर से बहुत सॉफ्ट रहती हैं. एंड दे कंटेन सॉफ्ट टिश्यूज दैट आर कॉल्ड बोन मैरो. बोन के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उन्हें बोन मैरो कहा जाता है. बोन्स के भी कुछ फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में. बोन्स मसल्स के साथ हेल्प करती हैं हमारी बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए. सेकंड फंक्शन, ब्लड सेल्स हमारी बोन्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं. ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द बोन्स. बोन्स स्टोर कैल्शियम फॉर द बॉडी. बोन्स हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम को स्टोर करके रखता है और बोन्स की डेवलपमेंट में भी कैल्शियम हेल्पफुल है. सो न्यू जब बोन्स डेवलप होती हैं या बोन्स को स्ट्रांगनेस की होती है तो दिस स्टोर कैल्शियम इज़ यूटिलाइज्ड बाय इट. तब बोन्स कैल्शियम को यूटिलाइज करता है. सो स्टूडेंट्स,
In your book, on page number 34, structure of bone is given. Look at it. Spongy bone. First structure of bone is spongy bone. Then compact, that is outside part. Bone ka jo outside part hai, wo compact hai, hard hai, tough hai. Aur inside part jo hota hai, wo hai bone marrow. Jisme hamare jo hai blood cells produced hote hai bone marrow mein. So student, next topic is human skeleton. Human skeleton, it is made up of many parts. Human skeleton bahut sare parts se bana hua hai. Skull, backbone, rib cage, limbs, girdle. Book mein bahut sare parts hain. First hum skull ko discuss karte hain, skull ke bare mein padhte hain. Skull is made up of 22 bones. Hamara jo skull hai, that this part, face part, it is made up of 22 bones. Hamara 22 bones se milkar skull bana hua hai. Out of these, 8 bones cover and protect the brain. 22 bones mein se 8 bones jo hain, wo hamare brain ko protect karti hain. The remaining 14 bones make our face. Hamara face jo hai, facial bones jo hain, wo hain 14 number mein. Of the 22 bone, only the movable bone is lower jaw. 22 bones mein se only lower jaw wali bones jo hain, wo hi moving hoti hain, wo hi move karti hain. Rest bones are not movable. Wo bilkul move nahi karti hain. Skull bones jo hain, wo non-movable bones ka example hai. Only lower jaw is considered in a movable bone. Skull hamare internal organs mein eyes aur internal ear ko protect karke rakhta hai. Nose aur mouth bhi skull ka hi protection role hai. Skull jo hai hamari body ke jo parts ko protect karega wo hai eyes, internal ear, nose and mouth. Skull hamari face ko ek characteristic shape bhi deta hai. Male skull is slightly different from female skull. Male aur female skull mein thoda bahut difference hota hai. So this was about skull. Next is backbone. Backbone. Our backbone is known as the spine. Hamari backbone jo hai wo spine ke naam se bhi jani jati hai. The backbone is made up of 33 bones called vertebrae. हमारी बैकबोन जो है 33 स्मॉल बोन से मिलकर बनी हुई है जो रिंग्स की तरह एक के ऊपर एक अरेंज हैं. यू कैन सी पेज नंबर 34 बैकबोन फिगर. इट इज़ गिवन, डायग्राम इज गिवन ऑन पेज नंबर 34 ऑफ योर बुक बैकबोन. यहाँ पे देख सकते हो कि रिंग की तरह स्ट्रक्चर्ड है बैकबोन का और वर्टिब्रे इसे एक बोला जाता है. 33 बोन्स स्ट्रक्चर जो है हमारा स्पाइन, इसको वर्टिब्रे बोला जाता है. एंड दे फॉर्म अ कॉलम कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम. ये पूरा जो कॉलम बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, इसे वर्टिब्रे कॉलम बोला जाएगा. विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. और हमारी बॉडी के सबसे डेलिकेट पार्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बैकबोन हेल्प करता है. एंड द वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म द मेन एक्सेस ऑफ द स्केल्टन. हमारी पूरी बॉडी का जो मेन पार्ट है, एक्सेस है, जिस पर हमारी पूरी बॉडी डिपेंड रहती है, वो सब वर्टिब्रल कॉलम ही है. एंड द जॉइंट बिटवीन द टू वर्टिब्रे हैव एन इंटर वर्टिब्रल डिस्क. टू वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट है उसमें डिस्क हैं, इंटर वर्टिब्रे डिस्क हैं दो जॉइंट्स के बीच में. एंड इंडिविजुअल वर्टिब्रे कैनॉट मूव. अगर अकेले वर्टिब्रेस को निकाल के मूव किया करा जाए तो दे कैन नॉट मूव. बट स्पाइन हैज़ सम फ्लैक्सीबिलिटी ड्यू टू दिस डिस्क. और ये एक दूसरे के ऊपर इस अरेंजमेंट जो है ये हेल्प करता है कि हमारी बैकबोन जो है फ्लैक्सीबल रहे. एंड दैट इज़ वाई वी कैन बेंड आर बैक. और इसी वजह से हम अपना बैक जो है उसे स्लाइटली मूव कर सकते हैं. एक्सरसाइज एंड गुड पॉस्चर हैव टू मेंटेन द फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ द बोन. और एक्सरसाइजेज और गुड पॉस्चर, हमारी बॉडी का स्टैंडिंग पोजिशन, सिटिंग पोजिशन अगर प्रॉपर हो तो हमारी बॉडी में बैकबोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती और हमारी बॉडी जो है फ्लैक्सीबल रहती है, फ्लैक्सीबिलिटी देती है हमारी बॉडी को. सो एक्सरसाइजेज आर गुड. सो नेक्स्ट इज रिब केज. रिब केज
Ribcage is made up of 12 pair of bow-shaped bone. Cage-like structure. पिंजरे की तरह structure होता है ribcage का. And as name also indicate, name से भी पता चल रहा है, cage पिंजरा होता है. And ribcage, it's a bow-shaped structure. Page number 35, students, you can clearly see indication, cage का indication मिल रहा है इससे. It protect the heart and the lungs. हमारे internal organs, heart और lungs को protect करके रखता है. First rib is shortest and curved. जो first rib है वो बहुत short होगी और curved होती है. And rib cage has another long bone in the front called sternum. Rib cage में जो central bone होती है जिससे सारी bones attach रहेंगी, and that is called sternum. उसे sternum बोला जाता है. Sternum ribs are attached to the sternum in front and at the back. Ribs जो हैं sternum से back और front दोनों पर attach रहती हैं. Only two pairs of ribs होते हैं. Ribs के दो ऐसे pair हैं जो front से attach नहीं करते. They are only attached to the backbone, जो सिर्फ पीछे backbone से attach करते हैं. These two pair are called floating ribs. और ये हमारी body में फ्लोट करते रहते हैं, ऐसे लटके रहते हैं या अटैच नहीं होते हैं. इन डायग्राम यू कैन ऑल्सो सी, डायग्राम में भी देख सकते हैं आप. सो स्टूडेंट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज लिम्स. लिम्स, देयर आर टू पेयर ऑफ लिम्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में टू पेयर्स हैं लिम के, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स. फोर लिम्स द आर्म्स, हमारे हाथ, एंड हिंड लिम्स द लेग्स, हमारे टांगे, पैर. सो स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग टू पेयर ऑफ लिम्स इन आर बॉडी. हमारी बॉडी में टू पेयर्स हैं लिम्स के. आर आर्म्स एंड लेग्स आर मेड अप ऑफ मैनी बोन्स. हमारे आर्म्स और लेग्स बोन्स से बने हैं, बहुत सारी बोन्स से बने हैं. एंड द अपर आर्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन बोन, दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस. हमारी अपर आर्म जो है वो ओनली सिंगल बोन से मिलकर बनी हुई है, एंड दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस. लोअर आर्म हैज़ टू बोन. जो हमारी लोअर आर्म है इसमें टू बोन्स होती हैं, दैट इज रेडियस एंड अल्ना. अपर आर्म मेड अप ऑफ सिंगल बोन कॉल्ड ह्यूमरस, एंड लोअर आर्म मेड अप ऑफ टू बोन, रेडियस एंड अल्ना. नेक्स्ट इज अपर पार्ट, दैट इज थाई. अपर पार्ट और थाई ऑफ द लेग हैज़ लॉन्ग बोन कॉल्ड फीमर. हमारी जो अपर लेग है वो फीमर से बनी हुई है. फीमर एक बोन है जो लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी में. इससे हमारा थाई बॉडी जो है, थाई लेग जो है वो बनी हुई है. और पूरी बॉडी का वेट जो है ये बियर कर सकती है. इट कैन बियर होल वेट ऑफ अर बॉडी. द पार्ट ऑफ द लेग बिलो द नी, हमारे घुटने से नीचे जो हमारे लेग्स हैं उस, वो टू बोन से मिलके बनी है, वो है टीबिया एंड फेबुला. सो स्टूडेंट कीप इन माइंड, इसको याद रखेंगे कि लिम्स जो हैं वो टू पेयर्स हैं, फोर लिम्स और हिंड लिम्स. फोर लिम्स जो हैं हमारे अपर आर्म्स जो हैं उसमें सिंगल बोन है जिसे बोला जाता है ह्यूमरस, और जो लोअर आर्म है उसमें आता है रेडियस और अल्ना. हिंड लिम में हमारे पास जो हमारा थाई पार्ट है वो बना हुआ है फीमर का, जो लॉन्गेस्ट बोन है. और नी के जो नीचे वाला पार्ट है, लेग रीजन जो है, वो हमारे टू बोन से मिलकर बना है, टीबिया एंड फेबुला. सो स्टूडेंट, डू यू थिंक दैट फिंगर्स आर मेड अप ऑफ वन सिंगल बोन और मैनी स्मॉल बोन्स? स्टूडेंट्स, फिंगर्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स. सिंगल बोन नहीं है, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स. नेक्स्ट टॉपिक इज गर्डल. स्टूडेंट कम टू पेज नंबर 35. गर्डल्स, वॉट आर गर्डल्स? दिस इज़ सम वॉट न्यू, ये कुछ नया है, ये टॉपिक अभी तक आपने पढ़ा भी नहीं है. गर्डल्स सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं, सेट ऑफ बोन्स, बोन्स के बने हुए सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं
जो हमारी बोन्स से अटैच रहते हैं और सपोर्ट करते हैं. एंड देयर आर टू पेयर ऑफ गर्डल इन ह्यूमन बॉडी. हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में टू पेयर ऑफ गर्डल हैं. दो गर्डल्स पाए जाते हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल. पेक्टोरल गर्डल जो होता है ये शोल्डर फॉर्म शोल्डर बनाता है, शोल्डर कंधा बनाता है हमारा. एंड जो पेल्विक गर्डल है वो हमारा हिप रीजन बनाता है. पेज नंबर 36 डायग्राम इज गिवन, शोल्डर गर्डल एंड हिप गर्डल. पेज नंबर 36 पे शोल्डर गर्डल और हिप गर्डल दोनों ही डायग्राम दिए हुए हैं. वन पेक्टोरियल गर्डल फॉर्म द शोल्डर एंड पेल्विक गर्डल फॉर्म द हिप. पेल्विक गर्डल इज अटैच विद फीमर. जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन हमने पढ़ी थी इससे पहले फीमर, वो पेल्विक गर्डल से अटैच रहती है. एंड ह्यूमरस इज अटैच टू द पेक्टोरियल गर्डल. सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल. लास्ट टॉपिक इज लिगामेंट. बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स. बोन्स एक दूसरे अटैच रहती हैं स्ट्रॉन्ग टिश्यू के थ्रू, जिसे लिगामेंट बोला जाता है. और वो प्लेस जहाँ पे बोन्स ज्वाइन होती हैं, यू ऑल नो दैट आर कॉल्ड ज्वाइंट्स. उन्हें ज्वाइंट्स कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, योर वर्क इज जस्ट गो विद द रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 33 टू पेज नंबर 36. अब रीजन ऑफ द पेज नंबर 36 डायग्राम पार्ट, यहीं तक ये पार्ट लेक्चर फिनिश होता है. वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.